सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं आंदोलन में शामिल किसान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक खून से लथपथ दिखाई दे रहा है। वहीं ये युवक आंदोलन में शामिल किसानों पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगा रहा है। उसका कहना है कि उसके ऊपर आंदोलन में शामिल किसानों ने तेज धार हथियार से हमला किया है। मैं जी सन 84 का सताया हूँ, जहाँ एक ड्राइवरी करता हूँ, ठीक है। लंगर में मैं खाना लेने गया, यू वहाँ हमारे एक आदमी को बोला भाई खाना, मैं कहा यार मरे थोड़े बैठो हाडे को बहोगे इतना यार, ठीक है। मेरे को यहाँ 15 साल हो गए नौकरी करते हुए कुंडली थाने में, थाने के पास यू एक नरोला गाँव है, सॉरी कुंडली गाँव है, ठीक है जी। मैं किसी से कुछ नहीं बोला, उसने आके मेरे सिर में गडासी मारी है, ठीक है जी। ये चब्बे वाले का लंगर है, इनको पता है सारा, और एक एक कुलवंत सिंह के यहाँ का बंदा है, ठीक है, अमृतसर का, वो उसको तो मैं पहचानता हूँ, ठीक है जी। दो हरियाणा के हैं जिसने मेरे पार पाँव पे लठ मारी है जी, ठीक है जी। मैं एक 84 का सताया हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ जहाँ, ठीक है। यूँ मेरे से मारपीट करेंगे तो मैं क्या करूँगा बताओ जी। मैं एक अकेला हूँ, ना मेरा बाप है, एक मेरी माँ माँ है, ठीक है जी। यही मेरी वीडियो है, बाकी जो होगा वो मैं कल बताऊंगा। चब्बे वालों का लंगर है, ठीक है जी, हिंदी में बताऊँ, चब्बे वालों का लंगर है, जो सामने ही हमारे दफ्तर के सामने जो लंगर है, चब्बे वालों का लंगर है, उनको सब पता है। मेंबर भी जाऊँ तो उनके ऊपर इल्ज़ाम होना चाहिए, मेरे बहू के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए जी। मेरा बहू एक नंबर का बनता है जी, मेरे को हॉस्पिटल लेके जा रहा है बचाने के लिए, ठीक है जी। इनके 7-8 आदमी थे जो मेरे को पीटने के लिए आ गए जी, इसके लिए सत श्री अकाल, नमस्ते जी। फिलहाल पुलिस ने आंदोलन में कोई झगड़ा होने से इनकार कर रही है। उसका कहना है कि आंदोलन के पास ही उनका झगड़ा हुआ है, जिसमें तेज धार हथियार से राजू के ऊपर हमला किया गया है। शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। राजू नाम के लड़के की शिकायत आई थी, भाई आपस में उठना बैठना था और मारपीट हो गई। तो कारण तो आपस में उठना बैठना था, क्या सुनी होगी, नहीं आंदोलन में तो नहीं, साइड में कोई होगा, उठना बैठना होगा। हाँ मामला दर्ज कर लिया गया, तफ्तीश जारी। मिली जानकारी के मुताबिक कुंडली सिंघू बॉर्डर पर राजू नाम के व्यक्ति के सिर पर तेज धार हथियार से हमला किया गया है। खून से लथपथ राजू नाम के युवक की वीडियो वायरल हो रही है। राजू पुत्र वचन सिंह वासी गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला है। वीडियो में राजू आंदोलन में शामिल किसानों पर हमला करने का आरोप लगा रहा है। फिलहाल कुंडली थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सोनीपत से पवन सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।